हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि असेंबली कंडीशंस और असेंबली के अंदर लूप्स किस तरीके से यूज होती है। तो उसके पहले हमें थियरी पढ़नी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है पहले, ठीक है। तो अनकंडीशनल और कंडीशनल, उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को कंपेयर करवाने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है, फिर लूप के अंदर मुझे इंस्ट्रक्शन या फिर कोड को भेजना है तो उसके लिए कौन सी चीज यूज होती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीजें इंस्ट्रक्शन हम यूज करने वाले हैं तो उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते पहले तो असेंबली कंडीशन एक्जेक्टली क्या होती है। जैसे कि हमारे सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो सी लैंग्वेज आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर एक्जेक्टली क्या होता है कि वन टाइप ऑफ आपको कभी भी लूप यूज करनी है तो लूप से पहले हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आता है, मतलब वो आपको प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो किस तरीके से आपको ले जाना है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई कमांड है वो रन करवाना है, फिर कब रन करवाना है कि मेरी ये कंडीशन सही होगी तभी ये मेरी ब्रांच है या फिर इंस्ट्रक्शन है वो रन होनी चाहिए, ठीक है। इफ एल्स, जैसे बोलते हैं आप इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ, तो वो सारी चीजें इसके अंदर भी इंक्लूड होती है, पर इफ एल्स के फॉर्मेट में नहीं होती, उसके लिए अलग से कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है, तो उसी का यूज करना है, तो उसी के बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले। तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, तो सेम एज इट इज, जैसे हमने सी लैंग्वेज के अंदर देखा था वैसा ही है, पर उसके वहां पे जिस तरीके से हमने यूज किया था कंपाइलर के थ्रू, यहाँ पे हमें यूज करना है इंटरप्रेटर के थ्रू, मतलब वन टाइप ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन जो भी कोड है वो ही रन करेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे उसकी सिंटेक्स यहाँ पे बदल जाती है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग हर एक प्रोग्राम के लिए सिंटेक्स बदलती है, वैसे भी यहाँ पर भी सिंटेक्स उसकी बदल रही है, तो उसके पहले हमें उसकी थियरी पढ़नी पड़ेगी एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो देखते हैं कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन इन असेंबली लैंग्वेज इज अकम्प्लिश्ड बाय सेवरल लूपिंग एंड ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपकी कंडीशनल एग्जीक्यूशन होती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर वो पूरी करने के लिए उसके लिए बहुत सारे लूपिंग और बहुत सारे ब्रांच, मतलब इफ एल्स कंडीशन आपको दी गई है, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी चेंज द फ्लो ऑफ द फ्लो कंट्रोल इन अ प्रोग्राम, मतलब उसके लिए आपको प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से यूज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे दो अलग अलग सिनेरियो आपको दिए गए। कंडीशनल एग्जीक्यूशन इज ऑब्जर्व इन टू सिनेरियो इन असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर दो तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दिया गया है उसको अनकंडीशनल जंप, ठीक है, मतलब कहीं पर भी कंडीशन नहीं है और डायरेक्टली आपको कंडीशन से बाहर आ जाना है, या फिर उसको एक वापिस जहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, एक बार रिपीट करवाना है तो वहां पे आप जा सकते हो, मतलब कोई भी वहां पे कंडीशन फिक्स नहीं है कि इसी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे एक जंप नाम की इंस्ट्रक्शन का यूज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जंप करता क्या है, ठीक है। तो दिस इज परफॉर्म बाय द जंप JMP, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है JMP, ये हमारी वन टाइप ऑफ एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, JMP इंस्ट्रक्शन। Conditional execution often involve a transfer of control to address of an instruction that does not follow the currently execution instruction. ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि हम जब conditional execution बार बार करते हैं तो उस time पे हमारा जो control का flow होता है वो किस address से कौन सी data उठाने वाला है, मतलब कौन सी instruction run करने वाला है, ठीक है, वो currently हमें नहीं पता चलता, पर execution के time पे हमें वो conditional के बेस पे ही हमें पता चलेगा कि कहाँ से वो ब्रेक करेगा और कहाँ से वापस वो स्टेप रिपीट करने वाला है, ठीक है। तो ये टाइप होता है अनकंडीशनल के अंदर, मतलब आप कितनी भी लाइन बार बार रिपीट कर सकते हो या फिर एक ब्रांच में से या फिर दूसरी ब्रांच, मतलब एक जंप आपने किया तो वहां से आप वापिस एक दूसरा जंप भी ले सकते हो, मतलब एक के अंदर एक जंप आप रख सकते हो, मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जैसे आप नेस्टेड फोर बनाते हो, ठीक है, या फिर नेस्टेड इफ बनाते हो, तो वैसे ही यहाँ पर भी आप नेस्टेड JMP बना सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। फिर क्या दिया गया कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल मे बी फॉरवर्ड, तो देखो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, आपका जो ऊपर का कोड है उसको भी आप रिपीट कर सकते हो, मतलब ट्रांसफर ऑफ, मतलब जो भी प्रोग्राम रन करने के लिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहा है, कंट्रोल पढ़ रहा है, उसको आप ऊपर भी ट्रांसफर करवा सकते हो और नीचे भी, मतलब बैकवर्ड भी नीचे भी आप रिपीट कर सकते हो, री एग्जीक्यूट आप करवा सकते हो उस स्टेप को, मतलब कोई भी कोड आप इनडायरेक्टली वहां पे रन कर सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आप जा सकते हो, उसके वो लेवल पे डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन आपको वापस रन करना है और कौन सा पोर्शन रन नहीं करना, बार बार रिपीट करना है तो उस लेवल को आपको बार बार कॉल
करवाना पड़ेगा, बट कौन सी इंस्ट्रक्शन वहां पे लगेगी, जेएमपी। ठीक है, तो जेएमपी जैसे ही लिखोगे और लेबल का नाम लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उस स्टेप पे वो चला जाएगा वापस, वो ऊपर भी जा सकता है, फॉरवर्ड भी जा सकता है, और इसके नीचे की लाइन में भी वो डायरेक्टली दो तीन लाइन स्किप करके भी जा सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे जेएमपी अनकंडीशनल जंप। ठीक है, उसके बाद आ जाए कि कंडीशनल जंप, मतलब फिक्स रहता है कि यहाँ से मुझे यहीं पे जाना है। ठीक है, और उसके बीच में जो इंस्ट्रक्शन आती है उसको वो स्किप नहीं करता। ठीक है, उसे बोला जाता है यहाँ पे कंडीशनल जंप। दिस इज परफॉर्म बाय सेट ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन, मतलब जे कमांड की मदद। यहाँ पे आपको जो दिखा दे रहा है कंडीशनल के पहले जे, ठीक है, वो आई नहीं है, जे है। ठीक है, तो जे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज मुझे रिपीट करवानी है और कौन सी चीज मुझे रिपीट नहीं करवानी है, मतलब कितने स्टेप मुझे रिपीट करने हो, कितने स्टेप मतलब कितनी इंस्ट्रक्शन मुझे रिपीट करनी हो, कितनी इंस्ट्रक्शन रिपीट नहीं करनी है। द कंडीशनल इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द कंट्रोल बाय ब्रेकिंग द सिक्वेंशियल फ्लो एंड दे डू इट बाय चेंजिंग द ऑफसेट ऑफ वैल्यू, मतलब वो कभी भी जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी आती है, ठीक है, तो क्या करता है कि मुझे मेरी कंडीशन अभी चल रही है पर मुझे एक टाइम पे उसको ब्रेक करके बाहर आना है। ठीक है, मतलब इतना टाइम यहाँ पे रन होने के बाद या फिर उसकी कोई कंडीशन मीट होने के बाद मुझे वहां से डायरेक्टली बाहर आ जाना है डायरेक्टली। तो उसके लिए वो क्या करता है कि आईपी नाम के रजिस्टर के अंदर एक ऑफसेट जनरेट होती है, एक वैल्यू जनरेट होती है, जिसकी मदद से उसे पता चलता है कि इस स्टेप पे उसको वहां पे बाहर आ जाना है, मतलब जहां से उसने इंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है वहीं पे उसको वापिस भेज देना है उस कंट्रोल को। ठीक है, तो ये कंडीशनल जंप होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि कहीं पर आपको कंडीशनल मीट हो रही है तो वहां से डायरेक्टली आप बाहर आ सकते हो। पर अनकंडीशनल के अंदर क्या होता है कि आपको उस स्टेप पे वापस जाना पड़ेगा और वहीं से सारी इंस्ट्रक्शन वो वहां पे रीड करेगा, उसमें कोई ब्रेक का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये दो तरीके की यहाँ पे कंडीशनल इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कि कंपेयर, मतलब दो अलग अलग ऑपरेंट को मुझे कंपेयर करवाना है, तो उसके लिए सीएमपी कमांड का यूज होता है, जो अल्टरनेटिवली जेएमपी के अल्टरनेटिवली जेएमपी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, मतलब आपको आता है अच्छी तरीके से तो कंपेयर सीएमपी और जेएमपी दोनों को आप यूज कर सकते हो, पर थोड़ा इसके अंदर चेंजेस है। ठीक है, तो क्या चेंजेस है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि सीएमपी मतलब कंपेयर। ठीक है, तो सीएमपी इंस्ट्रक्शन कंपेयर टू ऑपरेंड, मतलब दो अलग अलग तरीके के वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इट इज जनरली यूज इन कंडीशनल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये कब यूज होता है कि जी कंडीशनल है, अनकंडीशनल के अंदर इसको यूज हम नहीं कर सकते। दिस इंस्ट्रक्शन बेसिकली सब्स्ट्रैक्ट वन ऑपरेंड, मतलब एक में से वो माइनस करेगा फ्रॉम द अदर फॉर कंपेयरिंग वेदर द ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट, मतलब आपके जो ऑपरेंड है वो इक्वल और इक्वल नहीं हो गए। ठीक है, हो गए या नहीं हो गए, उस दोनों के बीच में भी सब्स्ट्रैक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो या फिर कंपेयर आप करवा सकते हो। अगर कंपेयर हो रहा है तो आप वहां पे सब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, अगर कंपेयर नहीं हो रहा है तो वहां पे आप सब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कमांड आपको दिए गए, इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। इट डज नॉट डिस्टर्ब द डेस्टिनेशन और सोर्स ऑपरेंड, मतलब जहां पे आपको पहुंचना है। ठीक है, मतलब जो भी आपको आंसर चाहिए वो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है उसको वो कोई भी तरीके की चेंजेस नहीं करता, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं करता वन टाइप। इट इज यूज अलॉन्ग विथ अ कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब वो कंपेरिजन है, वो जेएमपी कमांड के साथ इंस्ट्रक्शन के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी किसी भी तरीके की डिसीजन चेंज करनी हो या फिर आपको लेनी है कि भाई यहाँ पे मुझे इस तरीके की कंडीशन रखनी है, तो उस टाइम पे आपको कंपेरिजन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सीएमपी कमांड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सीएमपी कमांड इंक्लूड होता है जेएमपी के अंदर, कोई भी किसी भी तरीके की आपको कंडीशन रखनी है उस टाइम पे सीएमपी का यूज आप कर सकते हो। उसकी सिंटेक्स में यहाँ पे दी गई है कि सीएमपी इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में डेस्टिनेशन आएगा और उसके बाद सोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे डेटा भेजना है और सोर्स मतलब कहाँ से डेटा आएगा। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे आपको ऑपरेंड लिखने, डेस्टिनेशन सोर्स है वन टाइप ऑफ आपके वेरिएबल के नाम रहेंगे, या फिर आपके पास रजिस्टर भी हो सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, तो करता क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया है कि सीएमपी कंपेयर टू न्यूमेरिक डेटा फील्ड। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके की जो भी डेटा फील्ड रहती है उसको वो कंपेयर करता है। तो डेस्टिनेशन ऑपरेंड कुड बी इधर इन रजिस्टर और मेमोरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेंड के अंदर किसी भी तरीके की रजिस्टर होती है, या फिर रजिस्टर को यूज कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मेमोरी में से वैल्यू भी
ले सकते हो, ठीक है। The source operand could be constant, immediate data register on, मतलब वो डायरेक्टली वो डेटा उठाएगा तो इमीडिएट रजिस्टर में से उठाएगा, या फिर रजिस्टर डायरेक्टली और मेमोरी में से डेटा को डायरेक्टली लोड करवा सकता है, ठीक है। तो इतनी तरीके से वो कंपेरिजन करने के टाइम पे डेटा को लोड करवाता है डेस्टिनेशन और सोर्स की जगह पे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि अनकंडीशनल जब, ठीक है। तो आई होप आपको कंपेरिजन आपको पता चल गया होगा कि अब हम अनकंडीशनल की तरफ जा रहे हैं कि अनकंडीशनल के अंदर किस तरीके से, उसके लिए जेएमपी जैसे हमें अभी मैंने आपको ऊपर बताया वैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और वही स्टेप यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, पर थोड़े से ही रिपीट है, उसकी सिंटेक्स यहाँ पे आपको दी गई है, और उसके बाद उसकी कमांड भी किस तरीके से लिखनी है वो भी यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी कमांड है तो उसको भी हम देख लेंगे। तो ये जो ऊपर हमने थियरी पढ़ी थी वही चीज है, ठीक है, वही। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट फॉलो द करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, जो हमने अभी मैंने ऊपर आपको बताया था वही चीज होती है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में भी फॉरवर्ड आगे भी जा सकता है या फिर पीछे भी री एग्जीक्यूट स्टेप को कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंटेक्स आपको दी गई है जेएमपी, और उसके बाद लेबल जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि कहाँ पर आपको कहाँ से डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को रिपीट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि लेबल, ठीक है। तो उस लेबल पे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के फॉर्मेट में यहाँ पे देखो मूव एक्स और 00, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियलाइजेशन के फॉर्मेट में वन टाइप ऑफ एक्स 0 है वो एक्स नाम के रजिस्टर के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताया गया, मतलब जेएमपी, और उसके बाद यहाँ पे आपको जेएमपी की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बाद में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी लास्ट में, तो उसके अंदर हम सारा कुछ देखने वाले हैं। तो ये अनकंडीशनल जंप था। फिर एक कंडीशनल, तो अनकंडीशनल के अंदर सिर्फ आप जेएमपी की मदद से ही सारा कुछ बना सकते हो, ठीक है। मतलब आप कहीं पर भी ऊपर नीचे बैकवर्ड फॉरवर्ड कहीं पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं कि कंडीशनल। कंडीशनल मतलब आपको क्या चेक करवाना है उसके अंदर, ठीक है। अगर मेरा ये कंडीशन या फिर कंपेरिजन मीट हो रही है तो मुझे यहाँ पे जाना है, और मीट नहीं हो रही है तो यहाँ पे नहीं जाना है। ऊपर भी जा सकते हो या फिर नीचे भी जा सकते हो, वो आपके किस पे डिपेंड रहता है, कंडीशनल की जंप की मदद से सारा कुछ डिसाइड कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए गए, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो उसका हम पहले तो देख लेते कि भी क्या होता है एग्जैक्टली। इफ सम स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन कंडीशनल जंप, मतलब जैसे हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि मेरी ये कंडीशन मीट हो रही है तो उसके अंदर इस तरीके से ये सारी इंस्ट्रक्शन रन होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि अगर मेरी कोई कंडीशन रन हो रही है तो वो कोई दूसरे लेबल पे उसको भेज देगा और वहां पे वो सारे इंस्ट्रक्शन रन करेगा। अगर ये इंस्ट्रक्शन मीट नहीं हो रही हो तो एल्स के अंदर जाएगा और उसको वो वापस दूसरे लेबल पे भेज देगा, या फिर वो अपवर्ड भी भेज, ऊपर भी भेज सकता है और नीचे भी भेज सकता है, दोनों में से कोई भी जगह पे वो भेज सकता है। इसलिए इसको अनकंडीशनल या फिर कंडीशनल जंप की मदद से अनकंडीशनल को भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो, मतलब आपकी जो भी कंडीशन हो अच्छी तरीके से आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद लिखा है कंट्रोल फ्लो इज ट्रांसफर टू टारगेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब आपका जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर आपको कहाँ पे उसको कंट्रोल फ्लो को भेजना है वो सारा कुछ डिसाइड रहता है ये जेएमपी की मदद से। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरस कंडीशन आपको दिए गए है, उसके लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन उसके फ्लैग रजिस्टर कौन कौन से होते हैं वो सारे यहाँ पे बताए गए। तो यहाँ पे देखो JE और JZ, ठीक है, मतलब वो इक्वल होगा या फिर जीरो होगा। तो जंप इक्वल और जंप जीरो, अगर ये कंडीशन मेरी मीट हो रही है तो फ्लैग मेरा टेस्ट हो जाएगा, JF के अंदर स्टेटस चेंज होगा, जैसे चेंज होगा तो वापिस उस जगह पे मुझे वो जहाँ पे लेबल दिया वहां पे मुझे भेज देगा। फिर है कि JNE, मतलब जंप नॉट इक्वल, मतलब जो जंप है वो मीट कंडीशन आपकी मीट नहीं हो रही, मतलब जंप नॉट जीरो, तो JF के अंदर भी वापस स्टेटस जीरो हो जाएगा या फिर इसके अंदर वन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के अंदर अल्टरनेटिव यूज आप कर सकते हो। फिर JG, मतलब जंप ग्रेटर, अगर बड़ा है तो वेरिएबल के साथ आपने कंपेयर किया तो वो बड़ा है तो क्या कर देगा कि आगे भेजेगा, अगर नहीं है तो उसका भी यहाँ पे JNLE, जंप नॉट लेस और इक्वल, मतलब वो कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, मतलब बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों अल्टरनेटिव्स इसके यूज किए जाते हैं। तो उसके भी यहाँ पे फ्लैग टेस्टेड हो गए, उसके लिए बहुत सारे टेस्टेड दिए गए हैं कि OF, SF,
ZF, ठीक है। तो इतने तरीके के अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे फ्लैग टेस्टर के लिए दिए गए, ठीक है, जो बैकएंड में सारा कुछ डेटा को सेट करके रखता है। फिर उसके लिए अलग से बताया गया कि JGE, जंप ग्रेटर और जंप इक्वल और जंप नॉट लेस, मतलब वो कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे नीचे भी बताया JL, जंप लेस, मतलब वो कम है, ठीक है, JNJE, ठीक है, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद बताया गया JLE और JNG, जंप लेस, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे उसके ऑप्शन भी यहाँ पे सेट करके आपको दिखे, तो इस तरीके के कंडीशनल आपको, मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी तो उस इसी में से कोई कंडीशन आपको यूज करनी पड़ी। तो इसी तरीके के बहुत सारे कंडीशनल जंप आपको दिए गए, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। तो इसकी थोड़ी लूप के बारे में भी हम पढ़े, तो ये सारी हमारी कंडीशनल जंप थी, मतलब इफ एल्स जैसे मैं बता रहा हूँ तो वैसे ही यहाँ पर भी कंडीशनल जंप होती है। उसके बाद लूप, तो लूप को किस तरीके से वापस रिपीट किया जाता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको बताया गया। तो लूप मतलब वन टाइप ऑफ, आपको बार बार कोड को रिपीट करना है, और कहाँ से रिपीट करना है तो यहाँ पे आपको दिया नहीं गया। जैसे आप सी लैंग्वेज के अंदर व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है और कितना प्लस प्लस आपको वहाँ पे करवाना है या फिर माइनस माइनस करवाना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए यहाँ पे अलग से आपको सारे कमांड दिए गए, ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए लूप थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, यहाँ पे उसकी सिंटेक्स बदलती है, बाकी लॉजिक तो वही का वही रहता है, ठीक है। तो उसकी सिंटेक्स पहले हमें समझनी पड़ेगी कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे देखो जंप, तो जंप इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ लूप, मतलब लूप को आपको असेंबली प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए JMP कमांड का यूज आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग कोड स्निपेट कैन बी एग्जीक्यूटिंग लूप बॉडी 10 times, मतलब 10 बार एक ही तरीके की बॉडी को रिपीट करवाता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया, देखो सिंटेक्स मूव CL, मतलब CL नाम का आप एक वेरिएबल है, उसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू दी गई है 10, ठीक है, जैसे ही L1 के अंदर आएगा मतलब ये आपका लेवल हो गया और उसके अंदर ये सारा कोड पड़ा हुआ है, तो अंदर एंट्री करेगा लूप की बॉडी है ये। तो उसने क्या किया कि एक डिक्रीमेंट कर दिया, CL के अंदर पहले 10 था तो उसको 9 कर दिया, वापिस वो जंप करके कहाँ पे चला जाएगा, L1 के पास, ठीक है, यहाँ पे जैसे आएगा तो वापस वो डिक्रीमेंट कर देगा, 8 हो गया तो वापस वो रिपीट होके L1 के पास हो जाएगा। तो जब तक 0 नहीं होगा तो JNZ का मतलब, जैसे हमने ऊपर बताया कि JNZ, ठीक है, तो इसके ये रहा देखो, जंप नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होगा तब तक वो इस लेवल के पास वापस डेटा को भेज देगा, ठीक है। तो CL के अंदर जो डेटा पड़ा है वो ऑटोमेटिकली चेक करता रहता है, भाई यहाँ पे आने के बाद उसकी वैल्यू 0 तो नहीं है ना, 0 नहीं होगी तो वापस उस बॉडी को रिपीट करवा देगा, मतलब वापस वो L1 के पास, L1 का जैसे ही 0 होगा तो वापस नीचे की जो इंस्ट्रक्शन वो रीड करना चालू होगा, तो इस बॉडी को 10 times लूपिंग के अंदर भेज देगा। तो इस तरीके से असेंबली के अंदर लूपिंग को यूज किया जाता है, ये सिर्फ सिंपल लूपिंग ही है, इसके अंदर कोई दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज कुछ नहीं किया गया, ठीक है, वो हम लास्ट में जो हमारा PPT है उसके अंदर देखेंगे कि पूरे प्रोग्राम को किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट हाउएवर इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ लूप इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को एक साथ इकट्ठा करके उसको वो इटरेशन अंदर, मतलब वो लूप के अंदर रख सकते हो आप। द बेसिक लूप इंस्ट्रक्शन हैज द फॉलोइंग, लूप और उसके बाद लेवल, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लूप और उसके लिए यहाँ पे आपको लेबल देना पड़ेगा, मतलब लूप के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन दिए है उसमें से कोई एक यूज आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लूपिंग के बारे में ज्यादा आपको बताया गया है कि ECX का, मतलब काउंटर के लिए यहाँ पे ECX का यूज किया जाता है, वो एग्जैक्टली क्या चीज होती है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे इस PPT के अंदर आपको बताया गया है कि एग्जैक्टली वो क्या चीज होती है, ठीक है। तो वेयर लेबल इज अ टारगेट लेबल दैट आइडेंटिफाई द टारगेट इंस्ट्रक्शन एज इन द जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि लेबल के फॉर्मेट में कहाँ पे मुझे जंप करके जाना है, तो वन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टली जंप करके चला जाएगा, ठीक है। तो JMP किसकी मदद से, वो JMP कमांड की मदद से, इंस्ट्रक्शन की मदद से। द लूप इंस्ट्रक्शन assume that the ECX register contain the loop count, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ECX होता है one type of कब का register है, वो count कितनी बार loop को घुमाना है वो count करके रखता है अपने पास,
ठीक है, अगर आप वहां पे डिक्रीमेंट कर रहे हो तो भी वो अपने पास डेटा को रखेगा टिप्पणी, ठीक है, जब तक जीरो नहीं होगा। When the loop instruction is executed, the ECX register is decremented and the control jump to the target label. जैसे ही यहाँ पे decrement होगा तो वापिस वो अपने target पे label पे transfer होके चला जाएगा। Until the ECX register value, जब तक ECX register की value zero नहीं होती तब तक वो zero पे नहीं पहुँचता तब तक। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है, तो CL की जगह वापिस यहाँ पे हम ले रहे हैं कि move ECX, ठीक है। तो ECX के अंदर मैंने 10 टाइम उसको यूज करना है, मतलब एंड 10 बार मेरी लूप यहाँ पे घूमनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको बताए, उसके लिए आपको ECX का यूज, ECX रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको एक बड़ा प्रोग्राम दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्रोग्राम किस तरीके से रन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो section.txt, मतलब इस फाइल के अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा, फिर ग्लोबल स्टार्ट जहाँ से हमारा असेंबलर है वो स्टार्ट करेगा रीड करना, ठीक है, और अंडरस्कोर स्टार्ट लिखा है, वहां से लिंकर को पता चलेगा कि मुझे यहाँ से डेटा को रीड करना, इंस्ट्रक्शन को रीड करना चालू करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या दिया, ECX के अंदर 10 रख दिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे था, ठीक है, तो 10 है वो ECX के अंदर चला गया। फिर यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी गई है, EAX के अंदर 1 दिया गया, ठीक है। और जैसे ही लेबल 1 आएगा, ये हमारा 1 टाइप ऑफ लेबल था जहां से ये हमारी लूपिंग है वो स्टार्ट हो रही है। देखो ये सारी की सारी कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो EAX के अंदर वापिस यहाँ पे 4 कर दिया गया है, 4 यहाँ पे इंस्टॉल किया, वापिस ट्रांसफर किया है, EBX के अंदर 1 ट्रांसफर किया है, फिर पुश मतलब ECX वापिस आया। देखो ECX के अंदर क्या हो गया कि 10 है वो ECX कंट्रोलर के अंदर, मतलब वो रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर हुआ, और जो भी नंबर यहाँ पे आया है, ठीक है, नंबर के अंदर हमने जो स्टार्टिंग में 1 दिया था वो कहाँ पे चला जाएगा, हमारा अब ECX काउंटर के अंदर, ठीक है, और EDX नए वेरिएबल के अंदर काउंटर के अंदर वापिस 1 हो जाएगा, वो हमें प्रिंट करके देगा भाई इस तरीके का वेरिएबल इसके अंदर आया है, ठीक है। आया है तो क्या करेगा कि जो भी नंबर हमारे पास है 1, उसको EX नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, सबस्ट्रैक्ट करेगा और इंक्रीमेंट करेगा। देखो 1 था तो अब हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, 2 होने के बाद वापिस वो ऐड करेगा और पॉप, मतलब लास्ट में जो 0 उसने ऐड किया था उसको डिलीट करके लूप के पास वापिस भेज देगा। मतलब EX के अंदर अब 1 था तो अब 2 हो गया, वापिस यहाँ पे आएगा तो 2 है वो नम को पास कर देगा, वो अब मुझे किसको भेजना है, ECX के अंदर जो हमारे पास EX के अंदर नंबर आया था वो पास हो जाएगा 2, और यहाँ पे वापस वो एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे वो इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे हो गया 3। तो वापस लूप होने के बाद तो बीच में जो 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 भी वेरिएबल आपको दिए गए वो आपके एक वेरिएबल ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे 4 है वो यहाँ पे, मतलब अलग से उसको EX के साथ कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये कर्नल को कॉल करने के लिए कि भी मुझे किस तरीके की फंक्शनलिटी चाहिए, तो यहाँ से वो सारा कुछ डिसाइड करता है कि कहाँ पे मुझे एग्जैक्टली जाना है। जब तक यहाँ पे 0 नहीं होगा तब तक, या फिर 10 नहीं होगा तब तक वो घूमता रहेगा, तो ECX मतलब 10 टाइम घुमाना है उसको, ठीक है। तो EAX से वो मीट नहीं होगा तब तक वो आगे लूप के पास, लेबल के पास भेजता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में जैसे ही हमारा कमांड खत्म हो रहा है तो यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू रीसेट करवा देनी है EX की, और यहाँ पे मुझे प्रोग्राम को खत्म कर दे ताकि हमारा आंसर आ जाएगा 1 to 9 तक, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग को, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन किया जाता है, तो ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आपकी RNWIT एप्लीकेशन के अंदर आपको सबमिट करवाने रहेंगे जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर असेंबली लैंग्वेज के अंदर लूप और कंडीशन किस तरीके से यूज की जाती है तो उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, ठीक है, और भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट पर भी ढूंढ सकते हो, ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर एग्जैक्टली, जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।